ऐसी समाज है कि वो अपने आप को ऋणी मानता, अपने माता का कि मैं माँ का ऋणी हूँ, पिता का, अरे मैं ऋणी मानता हूँ तो अपने माँ बाप के लिए क्या मैं एक भागवत जी का पाठ नहीं करा सकता, क्या मैं माँ बाप के नाम से गाय को दो मुट्ठी चारा नहीं दे सकता, क्या मैं माँ बाप के नाम से चार दीन दुखियों को भोजन नहीं करा सकता, क्या मैं अपने माँ बाप के नाम से चिड़िया को दाना नहीं डाल सकता। श्राद्धों में ना चिड़िया को दाना डालने की परंपरा है, कौआ भी खाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे बाप देखो कौआ बन गए, क्या जो तुम कौआ को दाना डाल रहे हो? अरे मूर्खो, कौआ नहीं बन गए, कौआ एक पक्षी है। और हम हिंदू हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हम अपना ही पेट नहीं भरते, हम जीव जंतुओं का पेट भर के अपना पेट भरते सबको। अब बताओ, आप कौआ को दाना डालो, चिड़िया को दाना डालो और गाय को रोटी दो, इसमें घाटा क्या है? पूरी दुनिया में केवल भारत ऐसा है, सनातनी ऐसा है, जो अपने मरे हुए बाप का भी पानी देता है, जिसे श्राद्ध तर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्पण कहते हैं ना, तर्पण करना, बाप का तर्पण है, श्राद्ध है पिताजी का, माताजी का, लोग कहते हैं श्राद्ध। तो क्या करता है? तो आज का साइंस का बच्चा है, साइंस अपनी जगह सही है साहब, सैटेलाइट भी एक साइंस है, विज्ञान है, सैटेलाइट भी ऊपर होती है, और कोई भी चीज यहाँ सैटेलाइट छोड़ता है, यदि नीचे से उसे ऑपरेट ही ना किया जाए तो सैटेलाइट ऊपर थोड़ी अपने से चलती रहेगी, आखिर उसे भी तो ऑपरेट नीचे से किया जा रहा है, हाँ या ना? उसी तरह अब जैसे देखो क्या होता है, बिजली का करंट जब बनता है तो बल्ब जल जाएगा, उत्तर दो, उस बड़ी 440 या 4 जो भी होता है, 440, वो उस करंट को फिर एक ट्रांसफार्मर लगता है बड़े बड़े, फिर वो और कम करता है, फिर वो गांव में सप्लाई होती है, फिर गांव में एक ट्रांसफार्मर और लगता है जो उस कम को भी और कम करता है, फिर वो सप्लाई आपके घर जाती है और उससे आपका पंखा कूलर चलता है। उसी तरह बिजली तो एक है, पर उस बिजली को घर तक पहुंचाने के लिए 2-3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसी तरह आपने जब गाय को खिलाया, किसी दीन दुखी को खिलाया, पशु पक्षी को खिलाया, तो जो आपने खिलाया वही आपके पितरों को नहीं मिल जाएगा। जो बिजली बनती है डायरेक्ट, उतना लोड, उतना 440 का नहीं मिलता हमारे को कम करके। उसी तरह जब आप किसी गाय को रोटी चारा भूसा और किसी भूखे को भोजन कराते हो अपने पितरों के नाम से, दादा दादी के नाम से, तो आपके दादा दादी जहां होते हैं उन्हें जिस चीज की कमी होती है उन्हें वहां वह प्राप्त